सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। सो हेलो और हाय तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी क्लिशे और बोरिंग हो जाएगा। सो बहुत दिनों के बाद मैं एक्चुअली वीडियो निकाल रहा हूँ रियलमी एयरफोन्स के ऊपर, रियलमी ब्लूटूथ एयरफोन्स के ऊपर। सो मैं ये लगभग 15-20 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि इस टाइम मैं यूज़ करने के बाद ही रिव्यूज़ डालूंगा, ताकि क्योंकि मतलब रियलमी के एयरफोन्स और रियल रिव्यूज़ होंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो ऐसे मतलब रियल ही होते हैं रिव्यूज़ हमेशा, बट इस टाइम मैंने सोचा था कि खुद के एक्सपीरियंस को मैं लेकर बताऊंगा कि ये एयरफोन्स कैसे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी यूज़ करता हूं इन्हें। और मुझे ये भी देखना था कि ये अपने प्राइस को मतलब मैच कर पाते हैं कि नहीं, और मैं आपको भी बताऊंगा ये अपने आगे वीडियोज़ में। और इसके पहले तो अनबॉक्सिंग करते हैं, बेसिकली देखते हैं कि क्या है अंदर बॉक्स में। तो पहले फिर इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है गाइस? प्लीज़ लाइक आवर पेज एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सो दोस्तों आ गया हूँ मैं आपके लिए रियलमी का अनबॉक्सिंग लेकर। सो अनबॉक्सिंग करने से पहले देख लेते हैं कि इसका ये क्वालिटी कैसा है बॉक्सिंग का। तो क्वालिटी देखा जाएगा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे इनकी बॉक्सिंग की गई है। येलो कलर का इसका पैकिंग लग रही है, इनकी आगे से आगे इनकी ब्रांडिंग दी गई है बेसिकली। एंड पीछे अगर देखा जाएगा तो उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो मेन इनके फीचर्स हैं, जैसे ये मैग्नेटिक कंट्रोल है, 11.2 mm का बेस, बूस्ट ड्राइवर्स है। बैकअप की बात करें अगर बैटरी की, तो 12 आवर्स का बैकअप है, फ्लेक्सिबल नेकलेस, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया है इन्होंने, देन स्वेट प्रूफ IPX4 का सर्टिफिकेशन मिला है इनको, वो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी कम एयरफोन्स में वो देखा जाता है। तो चलिए बाहर से ही देखने से बदले पहले अभी अंदर से आगे जाके देखते हैं कि क्या है। और एक और चीज़ देख सकते हैं हम लोग, इनकी प्राइस अगर यहाँ पर दी गई है कुछ तो 199 की देखा जाएगा तो यहाँ पर तो 2000 के करीब दिखाई है, पर मैंने इतने में ये प्रोडक्ट लिया नहीं था। तो पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। सो अनबॉक्सिंग के लिए अभी पहले ओपन करते हैं इसको। सो ये तो ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ से भी है, पीछे साइड से भी है चिपका हुआ, तो यहाँ से भी उसको पहले फाड़ लेते हैं अच्छे से। अभी इसको क्या करते हैं, बेसिकली ये सिर्फ क्या होगा, सो ये प्रोडक्ट है बेसिकली देखा जाएगा तो प्रोडक्ट तो काफ़ी सेक्सी लग रहा है। यहाँ पर से अगर इसको निकालते हैं, बॉक्स को भी साइड में करके देखते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट तो मुझे देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे इसका डिज़ाइन दिया गया है, ये प्लास्टिक का है, बाकी सब इसका डिज़ाइन देख के तो काफ़ी मतलब ये प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है मुझे। तो बात करते हैं इसके लिए, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है ये प्रोडक्ट, मतलब बाकी एयरफोन्स की तरह नहीं है, काफ़ी बिल्ड इन क्वालिटी इसकी मुझे अच्छी लग रही है। लाइट वेट भी काफ़ी है ये, मतलब बाकी एयरफोन्स की तरह नहीं है, जैसे वो प्लास्टिक का फाइबर जैसा मिलता है, पर ये वैसा नहीं लग रहा है। और ये मतलब सॉफ्ट है काफ़ी, इसका जो केबल देख सकते हैं हम लोग, ये काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है केबल इसका, मतलब अच्छे क्वालिटी का केबल लग रहा है इसका, लाइट वेट भी है। इस साइड में अगर देखा जाएगा तो मतलब दोनों साइड की तरफ से, तो इस साइड में इनकी रियलमी की ब्रांडिंग दी गई है, एक साइड में कुछ नहीं है। और नेक्स्ट साइड में देखा जाएगा तो इनका ये बटन्स हैं बेसिकली, बटन्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो इनका ये प्लस माइनस का वो है, वॉल्यूम बटन है, बीच में इनके रियलमी का लोगो दिया गया है, जिससे हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं स्विच, जैसे गूगल असिस्टेंट्स को टर्न ऑफ और ऑन कर सकते हैं इसके लिए। और बाकी और देखते हैं कि ये तो चलो एयरफोन्स का प्रोडक्ट हो गया, बाकी और क्या है इस बॉक्स में देखा जाएगा तो पीछे से अभी इसमें देखते हैं अगर कुछ। तो एक और चीज़ है, शायद से वो USB पोर्ट हो सकता है। ओके यस, ये एयरबड्स दिया है पहले तो उन्होंने, उसके हिसाब से ये तो नॉर्मल मिल ही जाते हैं। और बाकी नेक्स्ट चीज़ क्या है इन्होंने जो दी है, ये इनका USB का पोर्ट है बेसिकली चार्जिंग के लिए।
तो इसकी जो चार्जिंग है, मतलब हम लोग देखा जाएगा तो मतलब 1.2 आवर्स की चार्जिंग पे ही ये मतलब आपको काफ़ी टाइम तलक का, ये 10 दिन तलक की चार्जिंग दे सकता है 1.2 आवर्स की चार्जिंग पे, मतलब फुल चार्ज हो जाता है बेसिकली ये इससे। तो प्रोडक्ट की तो मतलब देखने में तो जाएंगे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी प्रीमियम लग रहा है बाकी सब एयरफोन्स की सबसे जो मैंने यूज़ की हुई है। जैसे मेरे पास बोट का भी एयरफोन था तो उससे तो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। सो या द प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट फिलहाल के लिए तो। और ये एयरबड्स दी गई हैं, बाकी तो और अंदर कुछ नहीं लग रहा है, बाकी इनकी ये कुछ तो लिखा गया चाइनीज़ इंग्लिश सब में, सो कोई अक्सर पढ़ता नहीं है तो वी कैन थ्रो दिस। सो दोस्तों हम लोग आ गए हम लोग ये एयरफोन्स वापस से लेकर। ये एयरफोन्स का तो हम लोग ने अभी अनबॉक्सिंग देखा ही था, तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि कैसा था एयरफोन्स और उसकी क्वालिटी कैसी थी और वो अपनी प्राइसिंग को मैच कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो मैंने जब ये बाय किया था एयरफोन्स, तो मैंने ऑफर में लिया था, लाइक मुझे पड़ा था 1699 का, जिसकी प्राइस बाहर मार्केट में देखी जाएगी तो 1799 की है। इसकी MRP जो बॉक्स में लिखी गई है 1999 की है। आप जब भी देख सकते हो अगर कुछ ऑफर होगा तो यू कैन बाय दिस एयरफोन। और बाकी रही एयरफोन्स और की बात, इसके फीचर्स की बात, तो हम लोग अगर इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर जो रियलमी की ब्रांडिंग दी गई है एक साइड में, तो यहाँ पर वो जो रियलमी का R बराबर से लगा हुआ है, वॉल्यूम के बटन इन्होंने बराबर से दी गई है, वॉल्यूम की बटन यहाँ पर से, इंडिकेटर एक लाइट चलती रहती है हमेशा इफ अगर आप देखते रहोगे तो। और यहाँ पर इन्होंने एक USB पोर्ट चार्जिंग के लिए दिया गया है, USB पोर्ट बेसिकली, जिससे हम लोग अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। इसकी मतलब सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है अब तक की, ये इसका बैटरी बैकअप, बैटरी बैकअप इसका एज इन अगर आप बैटरी बैकअप इसका अगर देखा जाएगा, तो अगर आप 1.2 आवर्स के लिए एक बार अगर चार्ज कर दो तो ये लगभग 12 घंटे तक चलेगा आपका, 12 या 13 घंटे तक। मैंने शायद से वीडियो में गलती से 10 या 12 दिन गलती से बोल दिया था, बट ये 12 घंटे तक चलेगा। और जैसे रियलमी ने बताया था 10 मिनट्स की चार्जिंग पे ये आपको 100 मिनट्स की सर्विस देता है। तो लगभग मैं अगर 15-20 दिन से अगर यूज़ कर रहा हूँ इसको, मैंने 2 या 3 बार हार्डली फुल चार्ज किया था ये फ़ोन, मतलब ये इसके रियलमी के एयरफोन्स को। और ये तो इसकी बैटरी बैकअप की तो मुझे काफ़ी सही बात लग रही थी। और लुक्स वाइज देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और काफ़ी फिजिबल भी है, प्लास्टिक का है इसका कवरेज पूरा, और ये ऑन इन एयर मतलब यहाँ पर आ भी जाता है इजीली, और ये हम लोग कान में लगा के मतलब वी कैन लिसन एनी सॉन्ग्स और एनीथिंग लाइक दैट। और देखा जाएगा तो इसमें एक और एक यूनिक फीचर्स है जो बाकी एयरफोन्स में शायद से कम मिलता है, तो इसमें जो मैग्नेटिक वाला है, तो ये डायरेक्टली अगर आप ऐसे कनेक्ट करते हो इसको, डायरेक्टली अगर ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है तो ये ऑन ऑफ ऐसे करके एक फीचर है उसमें, ये ऐसे करेंगे तो ऑन, ये ऑफ हो जाती है, ऐसे करोगे तो ये ऑन हो जाती है, ये एक फीचर है इसमें। पेयरिंग भी इसी से होती है, तो काफ़ी इजी फीचर दे दिया है। जैसे आप कहीं बाइक राइड कर रहे हो या कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी नॉइस कैंसिलेशन होती है, अगर आप बात करने कर रहे हो तो बाहर कहीं पर हो तो नॉइस कैंसिलेशन इसमें होती है। और रही बात साउंड की, मैं साउंड इसका अभी तक ज़्यादा सुना नहीं है इसका, मतलब सॉन्ग्स के मामले में, कॉल्स के मामले में यस इट्स 100% इट्स वेरी गुड, बट सॉन्ग्स के मामले में इसकी साउंड क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। वी जस्ट कांट कंपेयर दिस टू सेनाइजर और एनी अदर ब्रांड, बट या 1799 या 1699 के बजट में ये काफ़ी प्रीमियम है और अच्छा वाला प्रोडक्ट हम लोग देख सकते हैं। जैसे और बाकी वाली चीज़ें, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी एक पढ़ा था हमने कि इसमें जैसे मैं जिम जाता हूँ कभी कभी, तो वहाँ पर भी उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि ये स्वेट प्रूफ है, IP X4 का इसको सर्टिफिकेशन मिला गया है, तो इसमें अगर स्वेट भी जाता है या कुछ जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डायरेक्टली आप जिम में जाके सॉन्ग लगा के वर्कआउट कर सकते हो या जैसा भी है। ओवर एंड ऑल मतलब इसमें से अगर हमें देना पड़ेगा, अगर 10 की रेटिंग है अगर इसको, तो 9 दे सकते हैं हम लोग ये क्वालिटी को लेकर और इसके प्राइस को लेकर। तो रियलमी ने काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकाला है, तो आप ट्राई कर सकते हो इस प्रोडक्ट को, ये अलग अलग वेबसाइट्स और साइट पर अवेलेबल है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और ऐसे ही हम आगे भी और कोई आता है तो हम लोग वीडियो निकालते रहेंगे, तब तक के लिए आप हमारे पेज को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करिए, और लाइक ध्यान से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। थैंक यू।